हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका जिक्र मैं पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में कर चुका हूँ। मैंने वहाँ एक बात बोली थी कि हमारे अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, बस हमें उसे पहचानने की देर होती है। तो वहीं एक कमेंट आया था एक भाई का कि भाई मैं तो किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। तो देखो, ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो या तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पे आए हो तो ऐसे ही तो आ नहीं गए, किसी पर्पज़ या अच्छे काम के लिए आए होगे, कुछ खूबी होंगी तभी भगवान ने तुम्हें सेलेक्ट किया यहाँ भेजने के लिए। तो देखो, बट अभी यहाँ आके बहुत सी चीज़ें नई जुड़ गई ना, तो उसमें हम सब भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। तो उन सबको से ऊपर आने के लिए, उन सबको पीछे छोड़ने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो ये नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। समय समय पे इनकी सफाई होनी चाहिए, और आते रहते हैं, ये नहीं है कि नए हों, सबके साथ होता है। बट ये थोड़ा पहचानना, जब भगवान हनुमान जी के साथ, वो भी तो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे ना, पर एक मेंटर जिसे हम बोल सकते हैं जामन जी, उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि हाँ तुम क्या हो, उनकी शक्तियाँ याद दिलाई, और उसके बाद देखो हनुमान जी ने क्या किया, वो तो सब। तो ऐसे ही ये नहीं है कि तुम भी कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बट ये थोड़ा पहचानने की देर है। हम सब भटक थोड़ा भूल गए हैं और अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि पहचानने की बात तब, मतलब बात पहचानोगे कब, जब उसके बारे में पढ़ोगे, मतलब जानोगे किसी चीज़ को तुम, और जानोगे कब, जब समय दोगे। तो समय हम देते ही नहीं है अपने आप को। हमारे पास समय होगा 24 आवर्स में, वो भी कम पड़ जाते हैं, किसके लिए, दूसरों के लिए। उनकी बातें जाननी होती है ना हमें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, बट हम अपने ऊपर कोई समय नहीं देते। इसी के चक्कर में फिर बाद में हमें पता चलता है कि अरे हमारे साथ ही होगा, मैं किसी में अच्छा नहीं हूँ, मतलब बहुत सी गलत विचार आने लगते हैं। बट इन सबको हम कैसे छोड़ सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ तो प्रॉब्लम पता चल गई ना, हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हम ये पहचानें। अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, क्यों, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हमें प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं, सॉल्यूशन को बात करनी है। तो सॉल्यूशन देखो इसका यही है कि सबसे पहले 24 घंटे में से कम 10 मिनट अपने आप को दो, अपने आप से थोड़ी बातें कर लिया करो, अकेले रह लिया करो। और अकेले रहने की सबसे अच्छी जगह है मंदिर। दिन में 10 मिनट मंदिर जाओ। वहाँ ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि पूजा करो या आरती करने लगो, वो अपना अपना मन होता है, जाते भी होंगे बहुत से आप में से बहुत से लोग, बट जो मैं कह रहा हूँ वो आप थोड़ा सा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वहाँ जाके 10 मिनट थोड़ा बैठिए, फ़ोन दूर रख दीजिए, और अकेले जाने की कोशिश कीजिए, किसी को साथ मत ले जाइए, अकेले जाओ शांति से एक कॉर्नर में जाके बैठ जाओ। फिर वहाँ पे तुम कुछ चीज़ें सोचोगे, जैसे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। फिर तुम रिकॉल करोगे कि मैं एडिटिंग में बहुत अच्छा हूँ, या मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। वहाँ से चीज़ें बहुत क्लियर होती चली जाती हैं अपने बारे में कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और मैं कहाँ अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें थोड़ी मेहनत कर लूँ तो आउटपुट कुछ और अच्छा होगा। तो एक तो अपने आप को समय दो, और दूसरी अपने घर वालों से बात कंटिन्यूस करते रहो। जब हम घर से बाहर आ जाते हैं, कॉलेज में या बाहर जाते हैं, तो बहुत से लोग या बहुत से घर पे बात नहीं कर पाते हैं आप पेरेंट्स से, मतलब आप, और आप दिन में देखो दो तीन चीज़ें करना ही पड़ेगा आपको। एक तो 10 मिनट अपना अपने आप को समय दो, दूसरा घर पे बात करो। घर पे बात करके जब आप घर वालों से बात करते हो तो एक अच्छी एनर्जी आपको मिल जाती है, क्योंकि वो आपको बता सकते हैं कि तो आप कहाँ खड़े हो और कहाँ जाना है। तीसरी चीज़, फालतू की बात मत करो, ज़्यादा ग्रुप में मत घूमा करो। देखो घूमने से ज़्यादा कुछ नहीं होता, ज़्यादा साथ मत रहा करो किसी के। बस इन्हीं दो तीन चीज़ें जिनको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको रास्ते सब मिलते जाएंगे, मतलब आपको रास्ता नज़र आ जाएगा कि हाँ ये कुछ हो सकता है यहाँ पे। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम बस इंतजार में बैठ जाएँ कि जब मेरा पूरा रास्ता क्लियर होगा, जब बिल्कुल मंजिल सामने दिखाई देगी तब चलना शुरू करेंगे, वैसा भी नहीं। जितना रास्ता दिखाए वहीं से स्टार्ट करो, जब वहाँ से चलना शुरू करोगे तो आगे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं या भगवान खोल देते हैं, बस आपको चलना होता है, बस शुरुआत करनी होती है। और सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम यही है
किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, क्योंकि स्टार्ट करने में बहुत समय लग जाता है, जितना समय उसको पाने में नहीं लगता उससे ज़्यादा समय स्टार्ट करने में या सोचने में लग जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, मज़े करते रहो, मज़े करने बंद मत करो। ये नहीं कि सीरियस ही हो जाओ बिल्कुल किसी बात ना, मस्त रहो, मतलब ज़्यादा दूसरों के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। एक सीधी बात यही, शौकी एक बात अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।